केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालक और बस चालक जो है वो दो दिन से हड़ताल पर हैं, जिसका साफ असर पेट्रोल पंप्स पर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल डिलीवर करने वाले जो ट्रक्स हैं वो हड़ताल पर हैं। और ये तस्वीरें आप मुंबई की देख सकते हैं, मुंबई के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने वालों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, भीड़ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आम दिनों पे पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ नज़र नहीं आती, लेकिन जिस हिसाब से ट्रक चालक और बस ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, उसके बाद से ही लोगों में पैनिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लोगों को ये लग रहा है कि पेट्रोल की कमी हो सकती है, जिसके चलते लोग एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल जो है वो भरवाते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आपको नजर आ रही है, और ऐसी ही भीड़ जो है मुंबई के कई सारे इलाकों के पेट्रोल पंप पर साफ तौर पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे हैं। दादा, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के जो ट्रक्स हैं उनकी हड़ताल चल रही है, पैनिक काफी ज्यादा, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? काफी परेशानी। कितने टाइम से यहाँ पर खड़े हैं पेट्रोल भराने के लिए? डेढ़ घंटे से। तो आप देख सकते हैं 1.5 घंटे का इंतजार है। कितने घंटे से पेट्रोल पंप पे रुके हैं? 1 घंटे से। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ही परेशानी। आप लोगों से जानना चाहेंगे कितने घंटों से पेट्रोल पंप पे इंतजार किया जा रहा है? 1.5 घंटे से खड़े हैं। 1.5-2 घंटे। 1 घंटा 2 घंटा से 1.5 घंटे से मैं खड़ा हूँ। कितना परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर है। खूब परेशानी है, काम छोड़कर यहाँ पर 1 घंटे से 1.5 घंटे से खड़े हैं, काम छोड़ के। जी, आप क्या कहेंगे? 2 घंटे से। आप कितने समय से खड़े हैं? 1 घंटे से। तो क्या कितनी परेशानी आम जनता को हो रही है? क्यों स्टडी छोड़ के यहाँ पे खड़े कॉलेज स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं लोग एक एक दो दो घंटों से जो है कतार में पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर खड़े हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कितने समय से पेट्रोल पंप पर खड़ी हैं? 1 घंटा हुआ है। कितना परेशानी हो रही है, मतलब कितनी परेशानी हो रही है काम वाम छोड़ के यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कतार लगाना पड़ रहा है? तो दिख ही रहा है आपको कितनी परेशानी हो रही, पब्लिक खड़ी है काम वाम छोड़ के। इसमें बताने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर खड़े रहने के सिवा। आप कितने समय से रुके? 1.5-2 घंटे से खड़े इधर ही। देखिए, ट्रक वाले जो है हिट एंड रन जो नया कानून बना है कि 7 लाख रुपए भी भरने पड़ेंगे, 7 साल की सजा भी होगी, उसको लेके 2 दिन से हड़ताल पर है। तो आप लोगों को, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? होगी ना मैडम, आप देख रहे ना जी। कितना 2-2 घंटा खड़े रहेंगे लाइन में, तो बिजी हो गए ना हम लोग भी। हाँ, तो आप कुछ करो मोदी सरकार को बोल के। तो आप देख सकते हैं कतार जो है वो यहाँ पर आपको काफी लंबी नजर आ रही होगी। लोगों का कहना यही है कि 2-2 घंटों से जो लोग हैं वो यहाँ पर कतार में जो है वो साफ तौर पर खड़े नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि हिट एंड रन को लेकर जो कानून जो है वो सरकार ने बनाया है, उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है उसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि काम वाम छोड़कर जो है वो यहाँ पर जो है वो लोगों को पेट्रोल पंप पर कतार जो है वो लगानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो पेट्रोल पंप पर जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार 2-2 घंटों से लोग जो है वो यहाँ पर लाइन लगाकर जो है वो खड़े। कितने समय से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया। कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रक वाले स्ट्राइक पर चले गए? बहुत ज्यादा परेशानी हो रहे हैं। काम वाम छोड़कर आए लाइन लगाने? काम छोड़ के आए हैं। तो आज एक ही दिन में कितने का पेट्रोल भराएंगे? एक ही दिन में कितने का फुल करवाएंगे? और आम दिनों पे कितना भरवाते हैं? पूरा फुल करवा देंगे। लेकिन जो स्ट्राइक चल रही है उसको लेके पहले से ही रिफिल करवा रहे हैं? बहुत परेशान। डेली 100 रुपए का डलाते थे, अभी बोल रहे हैं पूरा भरा दूंगा। पहली बार बोल रहे हैं जब इनका स्ट्राइक रहेगा तो कहाँ जाएगा, घड़ी घड़ी लाइन में कौन खड़ा रहेगा? जब तक गाड़ी लिया मालूम पड़ा पेट्रोल खलास हो गया तो किधर जाएगा आदमी? ऑलरेडी 5-6 पेट्रोल पंप बंद हो गए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कितने समय से खड़े हैं आप? 2 घंटे हो गए, अभी इधर पहुँचे हैं। ये पहला पेट्रोल पंप है या इसके पहले भी 1-2 जगह चक्कर लगा कर चक्कर मार के आए? उसके बाद यहाँ पर आके लाइन लगा जी। कितनी परेशानी हो रही है, 2 दिन से ट्रक ड्राइवर है और 2 दिन चलने वाला है। बहुत परेशानी है। तो आज फुल टैंकर भरवा लेंगे? हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप जो है वो घूमकर जो है वो लोग साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। और लोगों का कहना यही है कि 1-2 जगह जो है वो गए हैं, वहां पर पेट्रोल खत्म भरा रहा था, जिसके बाद ये 3रा या 4था जो है वो पेट्रोल पंप है। तो लोग यहां पर आए हैं। लोगों का कहना यही है कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल वालों की जो है वो यहां पर हड़ताल चल रही है, उसके बाद लोगों में जो है वो पैनिक यहां पर काफी ज्यादा नजर आ रहा है। दादा, कितने समय से खड़े हैं यहां पर? 2 घंटा हो गया। इसके पहले भी कोई पेट्रोल पंप पे गए थे चक्कर लगा? डुमरी वाले? डुमरी
दिल्ली वाले तो वहाँ पर बंद है। बंद है, बंद है। तो आज कितना फुल टैंकर करवाएंगे क्योंकि हड़ताल लगातार चल रही है। फुल टैंक, फुल टैंक। तो आप देख सकते हैं कतार लगातार। दादा कितने समय से खड़े हैं यहाँ पर? कम से कम पौने घंटे से खड़ा हूँ मैं। पौने घंटे से, इसके पहले भी पेट्रोल पंप जगह फुल है, कोई कोई बंद है पेट्रोल पंप में जी। अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, इतनी गर्दी देखो कितनी सारी है। कितनी परेशानी आम जनता को हो रही है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है। ठीक है, बहुत है परेशानी। आज फुल टैंकर पहले से ही करवा के रखे? कितना भी मुश्किल से 4 लीटर तो जाएगा पूरा, 10 दिन थोड़ी चलेगा मैडम। तो आप देख सकते हैं लोगों में परेशानी जो है वो काफी ज्यादा है। और लगातार कितने समय से खड़ी है यहाँ पर? मैं 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ पेट्रोल। पहले जो था उसको मैंने बोतल में भर लिया है। कहाँ है बोतल? ये नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बोतल में पहले पेट्रोल जो है वो 2 बोतल में पेट्रोल जो है। आई डू पिक एंड ड्रॉप, माई वर्क इज दिस, पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्कूल किड्स, दैट्स व्हाई। तो ये देखिए आप 2 बोतल में पेट्रोल ये भरवा चुकी हैं, जिसके बाद अपनी एक्टिवा में भी जो है वो पेट्रोल फुल करवाएंगी। आई वर्क ऑन दिस राइट जी। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, 2 घंटे से मैं भटक रही हूँ इधर ही पेट्रोल के। तो जो इसमें पेट्रोल था वो बोतल में भरवा दिया। हाँ, और इसमें फुल टैंकर हाँ अभी करवाने आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कतार जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दादा कितने समय से खड़े हैं? 1 घंटे से खड़े हैं, बिल्कुल सब पब्लिक पूरी परेशान है यार। कितनी परेशानी हो रही है? कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं, जब से ऐसी परेशानी आई नहीं तो ये परेशान। अभी साइकिल चलाने की नौबत आई है। तो ये पैनिक जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल से और पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इसके लिए कतार हुआ ना। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, अभी तो ये इतने अभी धीरे धीरे ट्रैफिक भी बंद हो जाएगी, 4 व्हीलर वाले ले जाने बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो कतार है वो खत्म होने का नाम नहीं हो रही। अगर आप पीछे तक तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं जो कतार है वो लगातार लंबी होते जा रही है। कितने पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाकर आए हैं? ये 6ठा पेट्रोल पंप है मैम। ये 6ठा पेट्रोल पंप है। तो क्या लग रहा है स्ट्राइक का असर आम जनता पर साफ तौर पर दिखा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है। आप देखिए ना मैम जी, आप क्या लग रहा है फुल टैंकर करवाएंगे? वही करवाएंगे, क्या कर सकते हैं अगर ऑनलाइन हुआ तो जी। तो अभी यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए आप ना, आप देख रहे हैं। आप कितने समय से खड़े हैं यहाँ पे? मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ। परेशानी हो रही है लेकिन पेट्रोल और भरवाने को लेकर? नहीं नहीं कुछ भी परेशानी। तो आप देख सकते हैं लोग जो है वो यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटों से जो है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप इन लेडी की बात करें तो इन्होंने 2 बोतल में पहले से ही पेट्रोल जो है वो भरवा कर रखा है और अलग से जो है वो पेट्रोल पंप पर आई हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। लोगों का कहना ये है कि 2-2, 3-3, 6-6 पेट्रोल पंप पर चक्कर मारने के बाद ये पेट्रोल पंप पर लोग जो है वो आशा लेकर आए। तो साफ तौर पर जो हिट एंड रन केस को लेकर, हिट एंड रन को लेकर जो है वो नया कानून पास हुआ है, उसको लेकर लगातार ट्रक चालक और बस ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। तो उसको लेकर जो है वो पैनिक जो है वो लोगों में काफी बढ़ गया है क्योंकि जो ट्रक्स पेट्रोल को सप्लाई करते हैं वो भी हड़ताल पर है। तो ऐसे में कई सारे जो है पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग 6-6 पेट्रोल पंप ढूंढकर थक हार कर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कुछ लोग पहले से ही 2 बोतल में पेट्रोल भर चुके हैं और फिर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल को जो है वो फुल करवा रहे हैं। तो ऐसे में परेशानी जो लोगों को है वो काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि ट्रक चालक और बस ड्राइवर लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर है।